गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 24th अगस्त। आज हम स्टार्ट करेंगे 24th अगस्त। इसके पहले हमारी क्लास हुई थी फ्राइडे को, दैट इज़ 21st अगस्त को हुई थी। फ्राइडे को हमने क्या क्या कवर किया था? चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा कि हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमारा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, दैट इज़ मोनोटोनिक फंक्शंस के। सेकंड हमारा जो टॉपिक था डिक्रीजिंग, सेकंड टॉपिक हमारा था टेंजेंट का एंड नॉर्मल्स के, एंड थर्ड टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें ढेर सारे टॉपिक्स थे, हमने सारे कवर किए, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। और दो टॉपिक हमारे इसके पहले हुआ करते थे, एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.4। ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे रेट ऑफ चेंज वाले और अप्रोक्सीमेशन वाले, ये दोनों टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम मैंने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखी है। ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, और टॉपिक कवर होने के बाद हमारा जो जैसा रूटीन है हमारा, हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। तो फिर से हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो CBSE के लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा जो 6 मार्क्स की नॉर्मल प्रॉब्लम पूछी जाती है CBSE में। सो स्टार्ट करते हैं और आपको वन बाय वन में क्वेश्चंस बताता हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम है 6 मार्क्स की, ये CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2012, 2015 एंड जो मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं वहाँ से मैंने ये नोट कर रखे हैं आपके लिए, 2017 एंड लास्ट ईयर दिल्ली वाले सेट में भी आया हुआ है। ये दोनों ऑल इंडिया के सेट में है, और लास्ट के दोनों 2019 ये दिल्ली वाले सेट में आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, सारी वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं सारा डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना आप। सो एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड अ सोल्डर प्लेस्ड एट अ पॉइंट 3.7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर when it is nearest to him, find the nearest distance. Okay, so that is the problem is related to the problem of maxima and minima. Clear? तो ये maxima minima की problem है, पहले तो ये clear हो गया। आपको क्या find out करना है? Nearest distance. That means minima की problem है, nearby problem. Nearest distance का मतलब क्या हुआ? हमें minimum distance find out करनी। तो सबसे पहले हम distance का formula use करेंगे। तो पहले तो आप questions को, जब भी word problem आती है, मैंने पहले भी आपसे बोल रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप गिवन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया करिए। यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे हमारे पास गिवन है अपाचे हेलीकॉप्टर का जो कर्व है, दैट इज गिवन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज गिवन। इसी कर्व के अलोंग हमारा हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, और जहाँ से हमने हमें टारगेट को हिट करना है, दैट इज द पॉइंट 3.7, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज करना होगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ। ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन में और सेम इसी टाइप का बताया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करो y 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो आपको कर्व के बारे में भी इन्फॉर्मेशन सीखनी है, क्योंकि हम अगले चैप्टर में जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर चैप्टर है हमारे पास, तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होंगी। तो ये हेलीकॉप्टर किस फॉर्म में हो जा रहा है? पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है, पैराबोला का इक्वेशन ट्रेस कर रहा है। ओके, सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पैराबोलिक फॉर्म में है। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास जो पैराबोला है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट जो नियर बाई में है, यहाँ पे हमारा टारगेट है 3.7,
यहाँ से जो नियरेस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, तो ये वाले इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सपोज द पॉइंट इज, द कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। अब ये कर्व पे इक्वेशन है तो वाई की वैल्यू इसी के अलॉन्ग होगी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। पहले भी बताया आपको टू वेरिएबल प्रॉब्लम में हमें एक वेरिएबल को शिफ्ट करना होता है, सब्सटीट्यूट करना होता है दूसरे वेरिएबल की हेल्प से, अदरवाइज हम डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, सो अब डिस्टेंस हमें किससे निकालनी है, थ्री कॉमा सेवन एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, सो हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला आई होप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, डी इज द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज गिवन एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने टेंथ क्लास में पढ़ रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, लोअर क्लासेस में सबने पढ़ा है। अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं फॉर्म कर देता हूँ, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है, वाई को मैंने रिप्लेस किया हुआ है गिवन इन्फॉर्मेशन से, और दूसरा पॉइंट है थ्री कॉमा सेवन, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो दैट मीन्स डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन होल स्क्वायर। ओके, सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो वी हैव एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से सेवन सेवन कैंसिल हो गए और ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स टू द पावर फोर, ये हमारा फंक्शंस हो गया जिसे हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डी इज अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इट्स होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर, दिस इज द केस। ओके, अब हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पहले भी बताई थी, यहाँ फिर से बता रहा हूँ, अगर सपोज वी हैव अ फंक्शंस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, देन वन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वी हैव, जो जिस फंक्शंस एफ एक्स के पास जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वही अंडर रूट एफ एक्स के पास होगा, क्लियर। सो अंडर रूट एफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकालने से बेटर होगा हम एफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, क्योंकि अंडर रूट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर होगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, तो बेटर होगा कि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। तो हमने इस फंक्शंस को फिर से दिस फंक्शन इज पी, नाउ दिस फंक्शन पी के हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं एक्स वन स्क्वायर प्लस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्लियर। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री प्लस फोर टाइम ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज सिंपल डिफ्रेंशिएशन, आई होप आप सबने ये तो सीख रखा है। ओके, सो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू पुट dp by dx इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज जीरो, वट इट मीन्स जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल फंक्शन निकाला था इसको जीरो के इक्वल फाइंड आउट पुट करना है। ओके, सो दैट इज टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स क्यूब, दिस इज द फंक्शन, यहाँ से हमने टू कॉमन कर लिया, देखिए आप ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इफ यू टेक टू कॉमन दैट इज एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स क्यूब, दैट इज एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल टू जीरो, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके,
सो अगेन इफ यू पुट दिस इज 2x³ प्लस एक्स माइनस 3, दिस इज 0. अगेन दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं. ओके, सो हीट एंड ट्रायल में भी मैंने आपको एक बार क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताया. तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको प्लस वन माइनस वन छोटी छोटी वैल्यूज से स्टार्ट करना होता है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं आप, तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. दैट मीन्स x माइनस वन इज द फैक्टर. ओके, अगर x माइनस वन फैक्टर है तो फिर डिवाइड करके हम इसका फाइंड आउट करते हैं कि रिमेनिंग आपने नाइन्थ क्लास में सीख रखा है. सो हम डिवाइड करके इसको फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड दिस, सो x माइनस वन इज द फैक्टर. सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 2x³ प्लस 2x माइनस 3. दिस इज माइनस 3. 2x³ प्लस, एक्चुअली दिस इज यहाँ पे आप x पुट करोगे. ओके, दिस इज x. ओके, सो ये डिलीट कर देता हूँ मैं. सो टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1. कैसे डिवाइड करते हैं आप, नाइन्थ क्लास में करना था. आप जल्दी से क्विक डिवाइड करके माइक ऑन करके कोई बताना चाहे, वो माइक रहने दीजिए ऑन करने के लिए, आप इसको करिए. ओके, सो आई थिंक आप डिवीजन जानते हैं, तो आपके लिए मैं, आप भी करिए साथ में और अपने आंसर्स को टैली करिए जिससे आपको पता लगे कि आपको डिवीजन आता है. सो देखिए, दिस इज 2x² एंड दिस 2x³. आज मैं आपको डिवीजन भी सिखा रहा हूँ. प्लस, एक्चुअली दिस इज माइनस का साइन, माइनस 2x² एंड फाइनली वी हैव माइनस एंड प्लस एंड दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज 2x² प्लस एक्स माइनस 3. ओके, अगेन आपको यहाँ पे 2x लिखना है एंड दिस इज 2x² माइनस of 2x and the final is minus and the plus, this is 3x minus 3, this is 3x minus 3, that is plus 3. So finally हमारे पास क्या है, finally हमारे पास जो factors हैं, that is x minus 1 and ये देखिए आपका factor जो था 2x² प्लस 2x प्लस 3. आई होप यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको भी आना चाहिए. अब जिसका नहीं आया हो एक बार प्रैक्टिस कर ले नाइन्थ क्लास वाली भी. ओके, तो दिस इज 2 फैक्टर्स हमारे पास हो गए और ये 0 हो गए. सो इधर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0. इफ दिस फैक्टर इज 0, x माइनस 1 इज 0, देन x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. बट इफ 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज 0, देन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे तो d इज नेगेटिव. इसका d होता क्या है, b² माइनस 4ac. ये आप सारा कुछ पढ़ चुके हो 10th क्लास में. एंड दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 एंड दैट इज नेगेटिव बेसिकली. सो नेगेटिव दैट मीन्स नो रियल रूट. दैट मीन्स हमारे पास केवल सिंगल पॉइंट है, दैट इज x इज इक्वल टू 1. इफ वी हैव सिंगल पॉइंट दैट मीन्स दिस इज ईदर मैक्सिमा और मिनिमा. एक ही पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है. ओके, इसी पॉइंट पे हम सेकंड डेरिवेटिव का नेचर भी देख लेते हैं, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नॉर्मली. ओके, सो वी हैव टू चेक द सेकंड डेरिवेटिव, नेचर ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव. अब सेकंड डेरिवेटिव क्या फाइंड आउट किया था हमने,
और एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या फाइंड आउट किया था ये देखना है। तो ये हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके सो नेक्स्ट हम चलते हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव इज दैट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, अभी आपको मैंने बताया दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 4x³ प्लस 4 2x-3। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी का डिफ्रेंसिएशन करना। आप ध्यान रखा करिए, जो भी दिखा भी देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 2x-3 प्लस 4x³, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को मुझे डिफ्रेंसिएट करना है। बीच में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसलिए ये है दिस इज द। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दैट इज 12x² प्लस 2x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली हमारे पास कितना है 12x² प्लस 2, दैट इज x² इज अ पॉजिटिव नंबर। दिस इज अब सेकंड डेरिवेटिव का नेचर, अब p डबल डैश का नेचर एट x=1 पे जब फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल है, पॉजिटिव नंबर ही आना है, दैट इज 14 एंड 14 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। और जब सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है दैट मीन्स x=1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव पे क्या आता है, इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इम्प्लॉइज x=1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड वी हैव सिंगल पॉइंट, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और हमारे पास जब एक ही पॉइंट है तो यही हमारा मिनिमम पॉइंट भी है, सो दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके सो दिस इज द x=1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बना रखा था ये, यही मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट के अंदर लगा रखा था। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, देखिए x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे आप, 1-3 दैट इज -2 होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज √5। तो ये सीबीएसई में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स को, जब हम कॉपी करेक्शन करने जाते हैं तो कुछ तो ये अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। आप जब अंडर रूट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्रिटिकल हो जाता है वो, छोटी सी प्रॉब्लम सिंपल सी है। एक ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि हमें अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन ना करके सिंपली ये डिफ्रेंशिएशन करने हैं। और दूसरी प्रॉब्लम आती है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं तब तो आप सॉल्व कर लेते हो, बट जब क्यूबिक इक्वेशन आते हैं तो आप थोड़ा सा डर जाते हो। सो ये डर भी आपको निकालना है। सो 2x³ प्लस x-3। अब क्यूबिक इक्वेशन में नॉर्मली क्या आते हैं आपके हिट एंड ट्रायल में, +1, -1, +2, -2, बस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। ओके हाँ, क्यूबिक इक्वेशन के जब आप एक फैक्टर निकाल लोगे, जैसे यहाँ पे हमने x-1 फाइंड आउट किया था, देन यू कैन डिवाइड एंड फाइंड दी क्वाड्रेटिक वन, और क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा हमने डिवाइड किया, हाँ डिवीज़न भी आपको आना चाहिए। तो सारी बातें जो आपने लोअर क्लासेस में सीख रखी हैं दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, उनको भूलना नहीं है आपको। ओके सो आई होप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने dp/dx निकाला x=1, फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे फिर से हम वीडियो लिंक दे दूंगा मैं आपको सारे को, इन सारे क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे मिल जाएगा। और मिलने के बाद आप जहाँ भी किसी के स्टेप्स मिस हो वो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हो, और साथ का साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। क्लियर, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2013, 14 एंड 17 एंड 20 में आया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में आए हुए हैं। ओके द क्वेश्चन आप नोट करिएगा, क्वेश्चन इज सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल
सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आप करिएगा, इज टैन इनवर्स रूट टू. ओके, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज टैन इनवर्स रूट टू. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व सॉल्यूशन की तरफ. एक्चुअली ये दिस इज द कोन, ये है हमारा कोन. एंड क्वेश्चन इज कि जो कोन है हमारा, इसका वैल्यूम हमें मैक्सिमम करना है जबकि हमारी स्लैंट हाइट गिवन है. ओके, सो ये वैल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा थीटा एंड दैट इज टैन इनवर्स रूट टू. ये हमें प्रूफ करना है. स्लैंट हाइट गिवन है, दैट मीन्स एल इज फिक्स. जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, बार बार बोल रहा हूँ, दैट मीन्स वो फिक्स हो गई, कॉन्स्टेंट होगी. जहाँ पे भी उसका डेरिवेटिव लेना होगा उसको एज अ कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे. दैट जैसे हम कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. ओके, सो देखते हैं ये क्वेश्चन. अब यहाँ से हम सेमी वर्टिकल एंगल फॉर्म कर लेते हैं. ये आपकी पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए. ये थीटा, इसी ये पूरा एंगल हो गया वर्टिकल एंगल, इसका हाफ किया दैट मीन्स सेमी वर्टिकल एंगल, और इसी को मैंने थीटा बोला है. तो ये दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल. ओके, सो वैल्यूम ऑफ कोन ये भी आपको याद होना चाहिए. देख रहे हैं प्रीवियस क्लासेस की कितनी इन्फॉर्मेशंस आपको याद होनी चाहिए सारी. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वैल्यूम ऑफ कोन. ये हमें मैक्सिमाइज करना है. अब प्रॉब्लम ये है कि आर और एच टू वेरिएबल प्रॉब्लम है. आर में भी चेंज होगा तो आपका वैल्यूम चेंज होगा, एच में भी चेंज होगा. तो अब हमें प्रॉब्लम आती है कि हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करें. तो ये आपको पहले भी बता रखा है, आपने कई क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, हमने एक्सरसाइज 6.5 की कर ली थी फ्राइडे तक. तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, आर और एच को हम चेंज कैसे करेंगे. हाउ वी कैन चेंज दिस आर एंड एच, दोनों को हम सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में चेंज करना है. तो एल इज गिवन, स्लैंट हाइट का यूज़ करेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे देखो, देखना आप ये वाला एरिया, इसको मैं यहाँ से कलर चेंज कर लिया. ओके, ये वाला जो ये जो ट्रायंगुलर शेप, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये हमने थीटा ले रखा है. ये है हमारा हाइट एच और ये है हमें आर. ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे. सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा एंड एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा. दैट मीन्स आर और एच को मैंने शिफ्ट कर दिया है थीटा वेरिएबल्स के प्रॉब्लम में. आर और एच हमने चेंज कर दिया थीटा में. और भी तरीके हैं, दिस इज़ नॉट ओनली वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, वी हैव अदर वेज इज ऑल्सो. एक दूसरा भी तरीका है कि आप को मालूम है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं. मैं दिस इज द और ऑल्टरनेटिव वेज भी आप करना खुद से, ये मैं आपको बता रहा हूँ. सो दैट इज एल और यहाँ पे एच. अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, अपने मेन टारगेट में. ये हमारा टारगेट है. सो बी इज 1/3 पाई एंड द वैल्यू ऑफ आर इज एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड द एच इज एल कॉस थीटा. अब यहाँ पे एल कॉन्स्टेंट है और हमारा टोटल डिपेंडेंसी किस पे है, थीटा पे है. तो नेक्स्ट बी इज 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा. ओके, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल, देखिए ये हमारा वैल्यूम का फार्मूला था, ये आर की वैल्यू हमने निकाली थी और ये एच, आर और एच निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया. एल पाई कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, एल क्यूब कांस्टेंट है. दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है. सो अगला टारगेट होगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दैट इज थीटा.
सो डिफ्रेंसीशन जब आप करोगे 1/3 पाई एल क्यूब आउटसाइड में, अब इसका डिफ्रेंसीशन आप करोगे जैसे आपने प्रोडक्ट रूल सीख रखा, सिंपल डिफ्रेंसीशन इट इज़। ओके, सो बहुत ही सिंपल डिफ्रेंसीशन है इसका, साइन क्यूब, एक मिनट रुकिएगा, ये था हमारा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एल कॉस थीटा। ओके, सो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप माइक ऑन करके बोल दिया करिए। ओके, क्योंकि स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ मैं तो शायद कुछ मिस हो रहा हो। यहाँ पे एक्चुअली एल, दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज स्क्वायर। ओके, सो दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर साइन एंड दिस इज थीटा, कंप्लीट कर लिया मैंने। ओके, सो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, साइन स्क्वायर एज इट इज, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन टू साइन थीटा एंड साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके, सो नेक्स्ट एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, स्क्वायर बाय मिस्टेक लिख दिया था, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एल कॉस थीटा। ओके, ये हमारा फंक्शन था, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सो डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू एल क्यूब पाई बाई थ्री, दिस इज साइन स्क्वायर, दिस इज माइनस साइन थीटा एंड दैट मीन्स दिस इज माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा, दिस इज माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्लियर, टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट डी बी बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन बेसिकली हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। अभी मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो रेडी रहिए, क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं सोचते भी रहिए। ओके, सो दिस इज, अब दिस इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज जीरो। अगेन यू कैन टेक साइन थीटा कॉमन, दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज जीरो। सो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, साइन थीटा जीरो हो सकता है या फिर आपका माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, इनमें से दोनों ही फैक्टर में से कोई जीरो हो सकता है, देखते हैं। इफ साइन थीटा इज जीरो, और यू कैन से माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज जीरो। सो साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो ये जीरो हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि आप खुद इमेजिन करिए, ये कोन का सेम ही वर्टिकल एंगल जीरो होगा तो कोन फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, अदरवाइज फिर भी कोन बनेगा नहीं। सो थीटा जीरो से 90 के बीच में ही होना है, ये भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो दैट इज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू एंड फाइनली वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू रूट टू। अब देखते हैं ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है मिनिमा पॉइंट है, तो हम सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट भी करेंगे। सो हम इसका सेकेंड डेरीवेटिव स्टार्ट करते हैं। जब आप सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट करोगे, आप लोग सारे स्टार्ट करिए कि जल्दी से स्टार्ट करिएगा। जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था ये देखिए, साइन क्यूब थीटा इसका डेरिवेटिव होगा थ्री थ्री माइनस ऑफ थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं, इसके फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। इस डेरिवेटिव को मैं यहाँ पर करता हूँ, आप देखते जाइए और नोट भी करते रहिए, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार फिर से आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स आएगी, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टू कॉस कॉस क्यूब थीटा माइनस फोर
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दिस इज द बेसिकली ये है हमारे पास। अब सेकंड डेरिवेटिव हमें देखना है, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2। तो यहाँ से हम जहाँ भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। देखिए टैन स्क्वायर को आप पुट करोगे साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाई 2 कॉस स्क्वायर। ये ऐसा करोगे तो आप, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है टैन के फॉर्म में और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा था। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इज d2b अपॉन d थीटा 2 एंड दैट इज इक्वल टू l³ π/3 एंड -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड +2 कॉस क्यूब थीटा। हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अब जहाँ पे आपने, मैंने अभी बताया जहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट करिए। सो l³ by 3 ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है एट एक्स एट टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 पे, टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे सेकंड डेरिवेटिव नॉट √2। सो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -14 कॉस स्क्वायर और ये एक स्क्वायर और है कॉस क्यूब थीटा +2 कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब आप ये देखिए टोटल क्या है, ये निगेटिव ही है, लेस देन है, यहीं पे है। तो सेकंड डेरिवेटिव जब भी आप करिए, इस स्टेप के मार्क्स होते हैं, आपका क्रिटिकल पॉइंट स्टार्टिंग में आ जाता है और क्वेश्चन उसी हिसाब से फ्रेम है, उसी पॉइंट पे हमें आंसर आना है। आप देख लीजिए यहीं पे हमारा आंसर आ चुका था, टैन थीटा की वैल्यू √2 आ चुकी थी, बट हमें सेकंड डेरिवेटिव जब आप निगेटिव दिखाओगे तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यूम होगा। सो दैट इज टैन स्क्वायर टैन थीटा इज इक्वल टू √2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया हुआ है। सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स √2। ओके, सो थीटा की वैल्यू √2 आ चुकी है। सो ओके, सो अब आपको मैं होमवर्क बताता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। और होमवर्क के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो अपने सारे माइक ऑन कर लीजिए जिससे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकूँ। जब भी आपको आंसर देना हो माइक ऑन करेंगे फिर ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे 1 by 1 क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको भी मालूम है माइक ऑन करेगा फिर ऑफ़ कर देगा। क्लियर, इंस्ट्रक्शन क्लियर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको एस और नो में आंसर देना है, और जिसका एस होगा उसको एक्सप्लेन करना है क्यों एस है, कोई भी एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, इज इट राइट टू से दैट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूटी होती है फंक्शन की, कि बिना कॉन्टिन्यूटी के फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है? सोचिए, आपके पास टाइम है, यस और नो में आंसर दीजिए। यस है तो कोई एग्जांपल बताइएगा, नो है तो कोई एग्जांपल बताइएगा या कोई रीज़न बता दीजिएगा। ओके, सो ठीक है, जल्दी करिए।